हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे भाई। तो अपने पास है जो सैमसंग का S23, जैसे कि पिछली बार मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाली थी जैसे मंगवाया था, तो इसके लिए अपन ने जो प्रोटेक्शन वगैरह हैं जो सारा कंप्लीट करवा लिया है। इस पर टेम्पर भी लगवा लिया बढ़िया वाला, और मोबाइल के जो पीछे जो स्क्रीन ये होती है जैसे कि लेमिनेशन टाइप कुछ, तो वो भी लगवा ली जो स्क्रेच वगैरह ना आए। और इसके लिए अपन ने कवर भी ले लिया है जो कि देख सकते हो आप वीडियो के अंदर। अब इसके बाद में अपन जैसे थोड़ा बहुत मोबाइल के बारे में जान लेते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। अब यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको जैसे कि मोबाइल के बारे में बात करते हैं, अपन थोड़ा बहुत मोबाइल के बारे में जान लेते हैं जैसे कि। तो ये है भाई जैसे सैमसंग गैलेक्सी S23, जो कि 8128 और 8256 के साथ आता है। तो अपन के पास है जैसे ये वाला वेरिएंट, तो ये 128 है भाई, और कलर हैं जो इसके अंदर चार आते हैं। तो अपना वाला जो है ये क्रीम कलर है, ये दिखने में भी शानदार लगता है। और जैसे मैंने फर्स्ट बार देखा था इस मोबाइल को, तो यही वाला कलर मेरे को अच्छा लगा था। अब इसके बाद में मोबाइल के जो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बढ़िया बात है जो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। जैसे कि आप कैमरा यूजेस के लिए देख लो, या थोड़ी बहुत अगर गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी बढ़िया है। और उसके बाद में जैसे कैमरे के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो ट्रिपल सेटअप मिलता है जैसे कि बैक साइड पर, तो यहाँ पर आपको 50 MP और 10 MP और 12 MP के साथ ये मिलता है भाई। और फ्रंट की बात करेंगे तो 12 MP वाला कैमरा फ्रंट में दिया हुआ है, जिसकी क्वालिटी भी आप अभी चेक करना भाई। वहीं डिस्प्ले के बारे में बताऊं मैं आपको, तो इसके अंदर आपको 6.1 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड 2X वाला जो डिस्प्ले दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये भी बढ़िया बात है भाई। और बैटरी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3900 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि अभी के टाइम के हिसाब से ये कम है, पर फिर भी अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो उस हिसाब से ये दिन भर भी आपका आराम से निकाल देगी। वहीं जैसे मैं मेरी बात करूँ, तो मैंने इसे किस पर्पज़ के लिए लिया था, ये जैसे कि मैं वीडियो शूट करता हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसे लिया था, और मैंने इसे कुछ वीडियो शूट भी किए हैं और डाली भी है मेरे दूसरे वाले चैनल पे, उसे आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। इंडियन किसान पुत्र के नाम से चैनल है, उसे चेक कर लेना एक बार जाके। और इसके अंदर भी मैं बताने वाला हूँ इसके जो, चलिए अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, देख सकते हो आप कैमरा के अंदर, ये इसी मोबाइल का कैमरा है। यहाँ पर एक फ़ोटो देख सकते हो आप, ये देखो भाई, फ़ोटो के अंदर जो क्वालिटी है वो देखो भाई, बहुत ही आसमान का कलर है वो देखो भाई। अब इधर से भी देखो भाई, यहाँ से देखो, ये इसका जूम है। यहाँ पर एक फोटो है उसे लेने वाले हैं, जो पेड़ के बीच में एक फूल दिखेगा आपको, उसे लेने वाले हैं। इसका जो जूम आउट है वो भी चेक करो भाई, वहाँ पर आ, यहाँ पर देखो, ये इसका जूम आउट है भाई 12 MP कैमरे से, ये ले लिया भाई इसका फोटो। अब देखो भाई इसकी जो क्वालिटी है वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। मेरे को अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना भाई। अब वहीं इसके वीडियो के बारे में बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर आप देखो वीडियो के अंदर ऑप्शन जो मिलते हैं इसके अंदर, यहाँ देखो आप 4K 60 फ्रेम रेट पर ये वीडियो शूट हो रही है। यूटिलाइजेशन भी चेक करो आप, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी चेक करो, और यहीं से आप फ्रंट कैमरा भी स्विच कर सकते हो बिना वीडियो को रोकते हुए भी। अभी देखना आप यहाँ पर, ये इसे दबाया और ये फ्रंट कैमरा भी चेक कर सकते हो आप। और फ्रंट कैमरे के अंदर जैसे कि 12 मिलता है, और ये 4K 60 पर ही फ्रेम फ्रंट कैमरे पर भी स्विच हो जाता है। तो यहाँ पर क्वालिटी भी देखो भैया, बढ़िया क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन। देखो बहुत बढ़िया, आसमान का कलर भी देख सकते हो आप, और पीछे पेड़ हैं इनका कलर भी देखो,
अब ये मैंने पीछा बैक कैमरा कर लिया है, जो कि देख सकते हो आप पौधों के अंदर जो एक क्वालिटी देख सकते हो आप। और बिल्कुल अब यहाँ पर से देखो, ये 4K था, अब यहाँ पर FHD ये 8K में भी वीडियो शूट कर सकते हो आप 30 फ्रेम रेट पर। और इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर फुल HD 60 फ्रेम रेट पर वीडियो शूट हो रही है। अब यहाँ पर आप मैं इसको वाइड एंगल भी बताऊंगा आपको। देखो ये वाइड एंगल, ये तो इसका मेन है, और यहाँ पर ये वाइड एंगल है इसका। देखो क्या शानदार कवर करता है देखो, और स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हो आप। मेरे को बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भाई, और कौन कौन भाई इस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर ये देखो, ये नॉर्मल और ये वाइड एंगल, ये देखो भाई स्टेबलाइजेशन भी देखो भाई इसका। तो इस मोबाइल की जो डिटेल थी, जैसे आपने देखी कैमरा के बारे में, और अब इसकी जो बैटरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि तो बैटरी 3900 mAh की मिलती है। तो ये जैसे मैंने यूज किया थोड़ा बहुत कैमरे के लिए, थोड़ा बहुत जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, तो इसके लिए यहाँ पर जो बैटरी है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। स्क्रीन ऑन टाइम देखो आप 5 घंटे और 16 मिनट और 64% बैटरी गई है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। आपके हिसाब से कैसी हैं आप देख सकते हो। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के।